बहुत भारी पड़ेगा शाह परिवार को तोशु का ये वेलकम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शाह परिवार के पिता यानी कि वनराज शाह, बहन पाखी, दादी बा तोशु का ऐसे स्वागत कर रही थी जैसे तोशु कोई बहुत बड़े मिशन से वापस आया है, बहुत कुछ जीत कर आया है। मगर यहाँ पे तो हालात ऐसे हैं कि तोशु तो जेल से वापस आया है, वो भी बेल पे। और जब अनुपमा आई ओपनर बात करती है, उसको लेके सब लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, तो ये वेलकम जो है कितना नुकसानदेह हो सकता है उसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब तोशु ने तो जो करना था सो कर दिया, अब तोशु के वेलविशर जो करना है वो करेंगे, और वो क्या है हम सब जानते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे। पहले भी जब समर पे संकट आया, पहले भी जब किसी पे भी संकट आया, तब ये शाह परिवार सिर्फ घर पे ही बैठा था, पाठ पूजा करता है, बाहर नहीं जाता है। बाहर जाते हैं अनुज और अनुपमा, वो लड़ते हैं बाहर की जंग। अब यहाँ पे तो भाई गुंडों का खतरा है, अनुपमा ने कहा है कि गुंडों का खतरा है, उसके पैसे कौन चुकाएगा। तो वहाँ पे भी वनराज शाह कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे पैसे कौन चुकाएगा, मगर सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है उसको नहीं समझ रहा। और बड़ी बात यह है कि वनराज शाह को तो बाहर जाना ही नहीं है, वनराज शाह फिर से चूहे की तरह वहीं पे बैठा रहेगा। और जो बाहर जाने वाले लोग हैं, केंजल है, परी है जिसका स्कूल है, ऑफिस है, और अनुपमा है, खतरा तो इन पे मंडराएगा, क्योंकि वनराज शाह तो ना तो पहले कभी बाहर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है, ना अब करेगा। बाहर जाता है तो दौरा पड़ जाता है, जैसे पहले भी पड़ा था, तो ये वनराज शाह कुछ करने वाला नहीं है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अब इंडिया में नहीं है ये खतरा, अमेरिका में है। और गुंडे जो हैं अगर अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, पैसा तो उनको चाहिए। जैसे कि एक गुंडे ने कहा भी था कि मेरे सामने तोशु आ जाए तो उसका मैं जो है ब्रेन उड़ा दूं। तो कहीं ना कहीं तोशु अगर सेफ था तो वो जेल ही थी, मगर जेल से तो तोशु बाहर आ गया। अब गुंडे तोशु की तलाश तो करेंगे, घर कहाँ है तोशु का पता है, उसकी बेटी कहाँ पढ़ती है ये पता है, वाइफ क्या करती है ये भी पता है। तो अब तोशु के जो ये सब कारस्तानियाँ हैं इसका भुगतान केंजल और परी को करना पड़ सकता है। तो देखते हैं ये वनराज शाह कैसे बचाता है, क्योंकि अब खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तब इनकी आंखें अनुपमा के सामने झुकेंगी जब तोशु के लिए इतना बड़ा कांड फिर से हो जाएगा। फिर क्या करेगा तोशु और क्या करेगा वनराज शाह, ये अनुपमा पूछेगी, क्योंकि अनुपमा को इसी बात का खतरा लग रहा है। तो देखते हैं कैसे ये शाह परिवार इस वेलकम का मजा लेता है आने वाले दिनों में। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।